हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और क्लास 6th की है। ठीक है, आज की डेट क्या है? 2/8/2021। ठीक है, 2/8/2021 आज की डेट है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपने टीचर का नेम लिखना है। तो बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस संडे को थैंक्स वीडियो नहीं आई, क्योंकि आज एग्ज़ाम है मेरा और एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा था ज़रूरी। ठीक है, वेनेक्सडे को आपकी क्या आएगी, अब थैंक्स वीडियो आने वाली है। शाम को 5 बजे से पहले हम लोग 100% आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, और सॉरी जो आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना नेम लिखना है, और कमेंट में जो आप भी सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो। तो आइए देखें इसमें क्या दिया गया है। इसमें जो टाइटल है, टू नो आवर नंबर। ठीक है, तो बच्चों टू नो आवर नंबर, ठीक है, ये हमारी वर्कशीट क्या है, कंटिन्यूसली चलती चली आ रही है। और इसमें भी आज एक सब टाइटल दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया गया। तो बच्चों देखिए, आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया गया। यहाँ पर एक आपको ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी। देखिए क्या दिख रही है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर हम इसको काउंट करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ठीक है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ कंटिन्यूसली है, 2 और 3। ठीक है, तो एक आपको क्या दिखा, 3 × 5 का ये ब्लॉक दिखा है, जो कि बराबर है किसके, 5 × 3 के ब्लॉक के। ठीक है, 5 × 3 के ब्लॉक के। अब कहने का मतलब आप समझ लीजिए क्या है, कि अगर 3 को क्या है, किसी 5 नंबर को है 3 टाइम्स अगर हम क्या करें, प्लस करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। और जब किसी 3 को 5 टाइम प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आता है बच्चों, 3 आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 3 × 5 मल्टीप्लीकेशन में या 5 × 3 मल्टीप्लीकेशन हमेशा दोनों का आंसर सेम ही देगा। तो वॉट इज़ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन, जो एडिशन बार बार रिपीट होता है, वो प्रोडक्ट बाय टाइम एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या होता है, एडिशन जो रिपीट हो रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, जो बाय हो रहा है। ठीक है, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको चलिए बताते हैं। इफ़ एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा, देन द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज 0, तब उसका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। समझने का प्रयास करना, जैसे 5 को हम क्या करें, 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इट्स सेल्फ। ठीक है, क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का और जो 1 होता है, वो खुद में ही क्या हो, तो उसमें जो 1 है वो खुद से ही होता है। कहने का मतलब ये, अगर कोई नंबर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 5 × 1, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 5 × 1 होता है। ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, बाय 10, 100, 1000। ठीक है, वी पुट सम जीरोज ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर क्या हो, मान लीजिए आपको 23 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 में कितने 0 हैं, 10 है, तो हमने राइट हैंड साइड 23 में कितना 0 लगा दिए, 1। मान लीजिए अगर आपको क्या है, मान लीजिए 4, 5, 6 को क्या करा है आपने, 100 से मल्टीप्लाई करा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 4, 5, 6 लिखेंगे, 100 में 2 0 हैं तो हमने यहाँ 2 0 लगा दिए। इसके बाद देखिए, अगर आपने क्या है, 7, 3, 8 को क्या करा है, 1000 से मल्टीप्लाई करा है, किससे करा है बच्चों, 1000 के, तो सबसे पहले 7, 3, 8 लिख दीजिए, 1000 में पीछे कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो यहाँ क्या कर दोगे आप, 3 0 लगा दोगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिया गया, इसमें बोला गया लेट्स डू, चलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, पहले आपको दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे फाइंड होता है ये निकालना सिखाया गया, 1, 2, 3। ठीक है, आपको क्या दिया गया, एक नंबर लिखा है, ठीक है, 1, 2, 3, और उसके नीचे मल्टीप्लीकेशन लगा के क्या लिख दिया गया है, 2, 3, 1। तो सबसे पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे करते हैं, और देन बच्चों इससे करते हैं, तो जब हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा आंसर हमारा 3 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा आंसर हमारा 2 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा आंसर हमारा 1 आया। ठीक है, तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर पे जाएंगे बच्चों, तो हम क्या कर देंगे, नीचे से, ठीक है, ऊपर वाले से एक नंबर नीचे क्या कर देंगे, नीचे ही तुरंत उसके ऊपर वाले के पीछे साइड, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाने के बाद क्या करेंगे, 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई, 2 को इस नंबर से, 2 को इससे, जब इससे 2 को मल्टीप्लाई करा 6 आया, 2 3 6, 2 2 4 और 2
वन जा टू, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही देखिए थ्री के पास गए, जैसे ही हम थ्री के पास बढ़े तो हमने नीचे से दो नंबरों के नीचे क्या कर दिया, ज़ीरो लगाया, ठीक है। तो पहले एक के लगाते हैं, फिर दो पे, उसके बाद अगर तीन हो गया, फिर चार हो गया, इस तरीके से ज़ीरो बढ़ाते चलते हैं। तो वन टू, थ्री को थ्री से, थ्री को टू से, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन आ जाएगा, थ्री को टू से करेंगे सिक्स आ जाएगा, और थ्री को वन से करेंगे तो थ्री आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो इतने नंबर हमारे आए हैं इनको सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो थ्री को जीरो में ऐड करा, थ्री आया, टू प्लस सिक्स कितना हो गया बच्चों, एट हो गया। इसके बाद फोर प्लस वन फाइव हो गया, और नाइन फोर्टीन हो गया, कैरी आ गया यहाँ, वन वन प्लस टू थ्री हो गया, थ्री और सिक्स नाइन हो गया, और थ्री का थ्री ऐसे ही उतार दिया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए आगे देखें क्या दिया गया है, ठीक है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बोला गया मंथली सैलरी ऑफ मैन इज़, ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ मैन इज़ 2625, व्हाट इज़ द एनुअल इनकम, ठीक है, उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी। तो एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12 महीने होते हैं, ठीक है, और एक महीने की सैलरी उसकी कितनी है, 2625 रुपीज़। तो एनुअल इनकम के लिए हम इनको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले इस नंबर को इससे, फिर इसके, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। आपको मैंने अभी उधर सिखाया है, तो आप क्या है एक बार देख लो, जैसे टू इंटू फाइव कितना हो गया, टेन, टेन का वन, कैरी आ गया वन, ठीक है, टू इंटू टू फोर, और फोर और ये वन क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, फाइव हो गया। उसके बाद बच्चों टू इंटू सिक्स कितना हो गया, ट्वेल्व, कैरी आ गया यहाँ पर वन, फोर, टू इंटू टू कितना हो गया, फोर, फोर प्लस वन हो गया फाइव। इसके बाद बच्चों अगर आप देखें तो आप जैसे ही यहाँ वन की तरफ बढ़े तो आपने नीचे एक जीरो लगाया, ठीक है, वन इंटू फाइव फाइव हो गया, वन इंटू टू टू हो गया, वन इंटू सिक्स सिक्स हो गया, और वन इंटू टू टू हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने क्या करा, इन नंबर्स को, इतने नंबर्स को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फाइव प्लस फाइव टेन का, कैरी आया वन, ठीक है, टू प्लस टू फोर, और वन फाइव हो गया, और यहाँ इलेवन, कैरी आ गया वन, तो ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं आपने, आपके इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर बोला गया है वन, फाइंड करना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखो पहले यहाँ पर हमने अभी सीखी है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएगा, ठीक है, ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएगा। अगर क्या हो जाएगा, वन से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वन से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखो, पहले का आंसर हो जाएगा जीरो, दूसरे में वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा। इसके बाद एक चीज़ हमने और सीखी है, क्या सीखी है कि अगर किसी नंबर के पीछे ज़ीरो लगाओ, हंड्रेड, टेन थाउजेंड, ऐसे नंबर हों, तो हम क्या करेंगे, पहले वो नंबर लिखेंगे पीछे, और जितने ज़ीरो लगे होंगे उतने ज़ीरो लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर फाइव फाइव फोर सिक्स डबल ज़ीरो, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, फोर वन, ठीक है, ट्रिपल जीरो, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो लगे हैं बच्चों, यहाँ तीन जीरो लगे हुए हैं, ठीक है। अगला है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे बोला गया है फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन कर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर नंबर हमें दिया गया था फोर एट फाइव सिक्स फाइव वन, ठीक है, और नीचे क्या दूसरा नंबर क्या दिया गया था, टू फाइव फोर, ठीक है। हमने क्या करा, इस फोर को इस वन से मल्टीप्लाई करा, हमारा आया फोर, ठीक है। इस फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करा, हमारा आया ट्वेंटी, ट्वेंटी का जीरो लिखा, और कैरी हमने यहाँ पर क्या दे दिया, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ये वाला कैरी, टू कैरी दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा बच्चों, उसके बाद हमने करा इस फोर को एट से मल्टीप्लाई, आया था, आया हमारा कितना, थर्टी टू, थर्टी टू में हमने टू ऐड कर दिया, थर्टी फोर हो गया, थर्टी फोर का फोर, कैरी आ गया वन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये फोर फोर इंटू सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू थ्री कितना हो गया, प्लस थ्री कितना हो गया, नाइनटीन, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगले पे जैसे ही हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे ही जीरो बढ़ाएंगे तो फाइव इंटू वन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, कैरी चला गया ऊपर टू, ठीक है। और जब कैरी ऊपर टू गया तो फाइव इंटू एट कितना हो गया बच्चों, फाइव इंटू एट हो गया जाके फोर्टी, और फोर्टी और ये टू फोर्टी टू हो गया। फोर्टी टू का हमने क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पर लिख दिया हमने टू, और कैरी दे दिया फोर, ठीक है। फाइव इंटू फोर कितना हो गया, ट्वेंटी, ठीक है, ट्वेंटी हो गया बच्चों। और ट्वेंटी प्लस फोर कितना हो गया बच्चों, यहाँ ट्वेंटी फोर हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, यहाँ ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा बच्चों, फोर होगा, ठीक है, यहाँ पर फोर होगा, ठीक है। और जब यहाँ फोर होगा तो बच्चों एक काम आप और करना, यहाँ पर कर लेना थ्री, ठीक है, यहाँ पर कर लेना
यहाँ पर कर लेना आप 3, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 × 5 हो गया 10, कैरी आ गया 1, ठीक है। जैसे ही 1 कैरी दिया, 2 × 6 17 का 7, कैरी आया 1, और 4 × 2 कितना हो गया 8 और 1 9, ठीक है। अब इसको ऐड करा 4 आया, इसको ऐड करा 5 आया, इसको ऐड करा हमने तो हमारा आंसर आया जाके 11 का 1 कैरी आ गया 1, ठीक है। 9 और 10 12 का 2 कैरी आया 1, 8 और 1 9, 9 और प्लस 4 13 का 3 कैरी दे दिया 1, ठीक है। और जैसे ही बच्चों कैरी हमने 1 दिया तो यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ कितना हो गया बच्चों 12 हो गया, तो ठीक है आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 1 2 3 2 1 1 4 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है सॉल्यूशन है, आप इसको क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ बॉक्स कंटेन 480 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, ईच पैकेट हैव 12 बिस्किट, हाउ मैनी टोटल बिस्किट इन अ बॉक्स, ठीक है। आपको बोला गया एक बॉक्स जो है उसमें कितने हैं 480 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 12 बिस्किट हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा अ बॉक्स कंटेन, ठीक है, और इज इक्वल टू लिखकर क्या लिख दीजिएगा 480 पैकेट्स। तो डायरेक्टली मतलब बात यहाँ पर है कहने की कि पहले आप इतना लिखिए, इज इक्वल टू का साइन लगाइए, फिर ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या लिखिए, उसके बाद ईच पैकेट्स इज इक्वल टू का साइन लगाइएगा, 12 बिस्किट लिख दीजिएगा हैश की जगह पर, ठीक है। इसके बाद का सॉल्यूशन मैं आपको क्या करता हूँ दिखा देता हूँ। तो बच्चों इसके बाद का सॉल्यूशन क्या है आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, 2 8 16 का 6 आया, कैरी आया 1, 2 और 8 हो गया और 1 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, इसके बाद आपने 0 लगाया नीचे एक एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद 1 से 0 को 0 आया, 1 को 8 से 8 आया और 1 को 4 से 4 उतार दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, 0 में 0 ऐड करा 0 आया, 0 में 6 ऐड करा 6 आया, 9 में 8 ऐड करा 17 का 7 आया और कैरी दे दिया यहाँ पर 1, ठीक है। 4 + 1 5, ठीक है। आप इसको आंसर नंबर 3 के रूप में लिख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में जो मैंने करेक्शन करवाया है उसे ज़रूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ पर हो गई थी, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। वर्कशीट कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा। चलिए अच्छा देख लेते हैं आपकी वर्कशीट में आगे कुछ दिया तो नहीं गया है। तो बच्चों आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।